Hello listeners, welcome to the online class of zoology, and today we are going to do the topic from the subject fish biology. The topic is ostracoderms. We have already done the part 1 and today we'll start or do the part 2. In part 1 we had discussed about that what are ostracoderms and what are the salient characters of ostracoderms, है ना, उनके जो characteristics थे ostracoderms के उनके बारे में आपको बताया था और आपको ये भी बताया था कि ostracoderms जो हैं वो agnatha जो होते हैं यानी कि without jaws वाले जो animals होते हैं और एग्नेथा एक तरह से सुपर क्लास है उसको वो बिलोंग करते हैं. जॉलेस फॉर्म्स होते हैं ये और जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं वो अब फॉसिल हो चुके हैं और उनको मेनली कैसे करेक्टराइज्ड करते हैं, बाय अ बोनी एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन. और ये भी मैंने आपको बताया था कि दे लिव्ड इन फ्रेश वाटर ऑफ साइल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड्स एंड दे वर बॉटम ड्वेलर्स. सो दीज वर सम ऑफ द सेलियंट फीचर्स of ostracoderms which we did in part 1. Now we'll start with another subtopic of ostracoderms, and that is classification of ostracodermi. Now class ostracodermi, jo ki ab extinct agnathans ke naam se bhi hum unko jante hain, they are divided into 4 orders. Pehla order hai Euphanerida. उसका एग्जाम्पल या उसका जो करेक्टरिस्टिक या जो उसको रिप्रेजेंट करता है जो एनिमल या जो फिश रिप्रेजेंट करती है वो है जेमोइटियस. सेकेंड ऑर्डर है टेरास्पिडोमॉर्फाई. टेरास्पिडोमॉर्फाई और इसका जो एग्जाम्पल हैं वो 4 एग्जाम्पल्स हैं इसके. एक तो है टेरास्पिस, एक है थीलोडस, एक है लेनार्किया और 4th है सीलोलैप्सिस. सीलोलैप्सिस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो टेरास्पिडोमॉर्फाई का जो एग्जाम्पल है वो है टीरास्पिस, थैलोडस, लेनार्किया और सीलोलैप्सिस. इसी तरह से जो 3rd ऑर्डर है इसका वो है सिफेलेस्पिडोमॉर्फाई और इनके एग्जाम्पल्स हैं सिफेलेस्पिस, हेमीसाइक्लेस्पिस, एटीलियास्पिस. ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिफेलेस्पिस, हेमीसाइक्लेस्पिस एंड एटीलियास्पिस. एंड जो 4th है वो है एनास्पिडा. जो ऑर्डर है 4th ऑर्डर है वो है एनास्पिडा और उसका एग्जाम्पल है बर्किनिया, टीरोलेपिस एंड रिंकोलेपिस. ठीक है, now next let us do order Euphanerida. Order Euphanerida is represented by only one genus, that is Gemmoetius, and it is believed to be the most primitive known vertebrate, है ना, सबसे मतलब पुराना vertebrate माना जाता है. और ये जो fossil है जो Gemmoetius जो इसका example है Euphanerida का, वो जो फॉसिल है वो वाइट ने डिस्क्राइब किया था 1946 में. अब थोड़ा सा अपन जेमोइटियस के थोड़े करेक्टर्स कर लेते हैं, उससे फिर अपने को आइडिया हो जाएगा कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं वो किस तरह के होते थे, क्योंकि ये जो फॉसिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस फॉसिल से ही हम आगे बताएंगे कि फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस भी. देखो आप सब, जब आप इसके एग्जाम्पल्स या जब इसके करेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इट वॉज द फर्स्ट वर्टिब्रेट एंड वॉज डिस्कवर्ड एज फॉसिल बाय वाइट इन 1946. ओके, अब ये है कि भाई नाम कैसे पड़ा इसका. द नेम जेमोइटियस वॉज डिराइव्ड आफ्टर अ लीडिंग पेलियोंटोलॉजिस्ट. पेलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो फॉसिल की स्टडी करते हैं. ओके, और वो कौन थे, जे ए मॉय थॉमस. जे ए मॉय थॉमस.
जो जर्माइटिस है वो सैल्यूरन पीरियड में जो था पाया गया था, और सैल्यूरन पीरियड कौन सा, पैलियोजोइक एरा का, और ये मान लीजिए आप के करीब ये 400 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, 400 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये जर्माइटिस जो फॉसिल है इसकी जो बॉडी थी वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी थी एंड इट वाज फाउंड फ्रॉम मरीन सेडिमेंट्स, ठीक है, और इसमें जॉज नहीं थे, जैसे कि मैं आपको पता ही है एग्नेथा मैं बार बार कह रही हूँ कि जॉलेस होते हैं, सो जॉज वर एब्सेंट, और जनरली ऑल द ऑस्ट्रेकोडर्म्स दे वर कवर्ड बाय बोनी आर्मर। ये भी मैं आपको शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुकी हूँ कि बोनी आर्मर होता है, तो इसमें जर्माइटिस में भी ऐसे ही था, एनहांस द नेम ऑस्ट्रेकोडर्म क्योंकि उसमें बोनी आर्मर था, बट जर्माइटिस वॉज डिवॉइड ऑफ अ बोनी आर्मर। देखो अब ये भी बात हो गया कि भाई जो जनरली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स में बोनी आर्मर था लेकिन जर्माइटिस में बोनी आर्मर नहीं पाया गया था, एंड हाउ एवर द बॉडी वॉज कवर्ड बाय बोनी स्केल्स कॉल्ड एनास्पिड स्केल्स, है ना, जो बोनी स्केल्स उसका क्या नाम था, एनास्पिड स्केल्स उनको कहा जाता था, वो स्केल्स उस पर प्रेजेंट थे। मैं अभी आपको डायग्राम बताऊंगी इसका तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से उसका जो बॉडी थी जर्माइटिस की वो कैसे थी। और जर्माइटिस में टर्मिनल माउथ प्रेजेंट था और उनमें 15 पेयर्स ऑफ गिल्सलिट्स थे, 15 ओके 15, एंड दीज 15 पेयर्स ऑफ गिल्सलिट्स दे वर अरेंज्ड इन टू रोज ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, दो रोज में जमे हुए थे गिल्सलिट्स। और इसके अलावा जो जर्माइटिस है उसमें लॉन्ग डॉर्सल फिन था और हेट्रोसर्कल कॉडल फिन था और पेयर ऑफ लेटरल फिन फोल्ड्स भी प्रेजेंट थे इसके अंदर, लेटरल फिन फोल्ड्स, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई उसमें किस तरह से लेटरल फिन फोल्ड्स प्रेजेंट थे। अच्छा कुछ कुछ ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि जो जर्माइटिस है ये पेट्रोमाइजन से रिजेंबल करता था कुछ कुछ, किस तरह से, इन हैविंग एन्यूलर कार्टिलेज अराउंड द माउथ, ठीक है, माउथ के चारों तरफ एन्यूलर कार्टिलेज था और अनकंस्ट्रक्टेड नोटोकॉर्ड थी इसके अंदर और गिल्सलेट्स प्रेजेंट थे, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ये पेट्रोमाइजन से रिजेंबल करता था। तो जो यंग जो थे 1981 में उन्होंने सजेस्ट किया कि जर्माइटिस जो है माइट बी द एमोसीट लार्वा ऑफ एन ऑस्ट्रेकोडर्म, ऐसा कहा भी जो जर्माइटिस है वो क्या हुआ होगा, उन्होंने ऐसा माना कि हो सकता है कि जो जर्माइटिस है वो एक तरह से जो है एमोसीट लार्वा से हम उसको बता सकते हैं, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेकोडर्म का एमोसीट लार्वा जैसा ही था, ठीक है, जैसा होगा ऐसा यंग ने कहा। फिर यंग ने ये बात भी कहा कि इसके अंदर जो मायोटोम्स थे देवर एब्सेंट, जर्माइटिस में जो मायोटोम्स हैं वो एब्सेंट थे, ठीक है, तो इस तरह से ये जर्माइटिस के बारे में मैंने आपको कहा। अब नेक्स्ट अपन इसका वो देख लेते हैं, जर्माइटिस की जो डायग्राम है वो अपन देख लेते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपको कुछ क्लियर होगा, उसकी पिक्चर क्लियर होएगी कि जर्माइटिस कैसा था। अब देखो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि भाई देखो इसके अंदर फ्यूसीफॉर्म बॉडी है, आपने देखा टर्मिनल माउथ है, गिल्सलिट्स प्रेजेंट हैं, गिल्सलिट्स क्या है इसमें 15 होते हैं इसके अंदर जो कि प्रेजेंट हैं, फिर मीडियन डॉर्सल फिन आप ऊपर देख रहे हैं प्रेजेंट है, लेटरल फिन जो कि एक इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है कि लेटरल फिन प्रेजेंट है, और एनल फिन प्रेजेंट है, ठीक है, और हेट्रो सर्कल टेल है और उस हेट्रो सर्कल टेल में जो है ऊपर एपिकॉर्डियल लोब है और नीचे जो है हैप्पी हाइपोकॉर्डल लोब है, तो इस तरह से जो है टेल भी इस किस तरह से प्रेजेंट है और क्वाइट क्लियर है कि जो फिश है जर्माइटिस ये, अब वैसे तो फॉसिल हो चुकी है लेकिन इसके अंदर अपन अगर जो फॉसिल को देखते हुए जो डायग्राम बनाया गया है, डायग्रामेटिकली शो किया गया है, उससे हम कह सकते हैं कि जो जर्माइटिस है वो ऑस्ट्रेको डम था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम करते हैं ऑर्डर टेरास्पिडोमॉर्फाए, ऑर्डर टेरास्पिडोमॉर्फाए। अब देखो जो ऑर्डर टेरास्पिडोमॉर्फाए है इसका जो नाम है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं टेरॉन का मतलब होता है फिन और एस्पिस का मतलब होता है शील्ड, ओके, और ये दोनों वर्ड्स मिलकर के इन्होंने क्या बनाया है टेरास्पिडोमॉर्फाए, एंड दिस वर द फॉसिल एग्नेथन्स थे ये ऑस्ट्रेकोडर्म्स के, ये
फॉसिल एग्नेथन्स थे, और इसके अलावा इसमें पेयर्ड नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट थे, है ना, पेयर्ड नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट थे। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो ये हैं फिशेस, दे फर्स्ट अपेयर्ड ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड एंड सर्वाइव्ड अंटिल डिवोनियन, और इनका जो हेड और एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी था, दे वर कवर्ड बाय अ डॉर्सल शील्ड, डॉर्सल शील्ड से ये कवर्ड थे। मैं डायग्राम आपको बताऊंगी, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फिश है, एंड इट, और ये जो हेड था इट वाज नैरो इन फ्रंट, और ये कैसे प्रोलॉन्ग्ड हो गया था, रोस्ट्रम के जैसे, रोस्ट्रम समझते हैं ना, आगे की तरफ चोंच जैसा बढ़ जाता है, तो इट वाज प्रोलॉन्ग्ड इनटू रोस्ट्रम विद अ मीडियन स्पाइन बिहाइंड, यानी कि मीडियन स्पाइन पीछे की ओर था। और ये बात किसने हमें कही थी, सेजविक जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया था 1905 में। और जो डॉर्सल शील्ड थी दैट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 11 प्लेट्स, है ना, डॉर्सल शील्ड के अंदर 11 से ज़्यादा प्लेट्स थे, ध्यान दीजिएगा आप, डॉर्सल शील्ड जो थी इट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 11 प्लेट्स। और जो प्लेट्स का नाम अपन इस तरह से कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि भाई रोस्ट्रल थी, फिर पीनियल थी, डॉर्सल प्लेट प्रेजेंट थी, ऑर्बिटल, ब्रैंकियल, फिर एक इसमें जो है कॉर्नुअल भी थी, वेंट्रल एंड मैनी ओरल प्लेट्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो प्लेट्स हैं ये पार्कर एंड हेजवेल ने 1962 में बताई थी। लेट्स रिपीट इट अगेन, डॉर्सल शील्ड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 11 प्लेट्स, रोस्ट्रल, पीनियल, डॉर्सल, ऑर्बिटल, ब्रैंकियल, कॉर्नुअल, वेंट्रल, और उसके अलावा मैनी ओरल प्लेट्स। अच्छा, एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि रोस्ट्रल एक प्लेट थी, पीनियल भी एक प्लेट थी, डॉर्सल एक प्लेट थी, लेकिन ऑर्बिटल की दो प्लेट्स थी, ब्रैंकियल की दो प्लेट्स थी, कॉर्नुअल की दो प्लेट्स थी, और वेंट्रल की एक प्लेट थी, और बाकी जो है फिर वो ओरल प्लेट्स थी। ठीक है, ये पार्कर और हेजवेल ने 1962 में बताया था। और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी थी दैट वॉज कवर्ड बाय स्केल्स, द रेस्ट ऑफ द बॉडी वॉज कवर्ड बाय स्केल्स एंड दस प्लेट्स एंड स्केल्स इन द डर्मिस फॉर्म्ड अ बोनी आर्मर। समझ रहे हैं आप कि रेस्ट ऑफ द बॉडी में स्केल्स थे, और ये वाली जो जितनी भी प्लेट्स हैं, जो 11 शील्ड्स थी, प्लेट्स थी, और ये जो स्केल्स थे, इन्होंने जो है डर्मिस के अंदर बोनी आर्मर बनाया। ठीक है, बोनी आर्मर बनाया यानी कि बोन से, हड्डियों से बना हुआ ढांचा बनाया, जो कि उसको प्रोटेक्शन के और ऐसे काम आता था। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल्स हैं इस वाले ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के टेरास्पिडोमॉर्फाई के, वो एग्जांपल है, एक तो टेरास्पिस रोस ट्राटा, और दूसरा जो है एग्जांपल इसका वो है थीलोडस, और तीसरा एग्जांपल है लेनार्किया, और फोर्थ एग्जांपल है सीलोलेप्सिस, फोर्थ एग्जांपल है सीलोलेप्सिस। समझ रहे हैं आप, तो टेरास्पिस रोस्ट्रेटा, थीलोडस, लेनार्किया और सिलोलैप्सिस, ये जो है ऑर्डर टू था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जो ऑर्डर टू है इसको टेरास्पिडा भी कहते हैं, जैसे टेरास्पिडो मॉर्फाय है, तो इसमें ध्यान दीजिए आप कि अगर आपको किसी बुक्स में टेरास्पिडा मिले तो भी वो सेम ही ऑर्डर है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से आज अपन ने कौन से ऑर्डर्स दो पढ़े हैं, एक तो ऑर्डर यू फेनारिडा जिसका कि एग्जांपल है जेमोइटियस, और दूसरा अपन ने ऑर्डर पढ़ा है टेरास्पिडो मॉर्फाय जिसका एग्जांपल है टेरास्पिडा, और इसका जो जो रिप्रेजेंटेटिव फिश है वो भी देखो आप, मैं आपको बताती हूँ, वो है टेरास्पिस रोस्ट्रेटा, जो कि ये एग्जांपल आप देखिएगा, ये इसका एग्जांपल है टेरास्पिस रोस्ट्रेटा का है, ये ऑस्ट्रेकोडर्म है, और इसमें दो व्यूज़ आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाला जो व्यू है वो डॉर्सल साइड से दिख रहा है, और जो नीचे वाला है उसको उल्टा कर देते हैं ना, पर वेंट्रल साइड जो होती है उससे दिख रहा है। और इसमें आप देखिए ये सब दिख रहे हैं इसके अंदर वेरी क्लियरली, सबसे पहले तो इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर स्केल्स हैं, है ना, क्योंकि प्लेट्स इसके अंदर काफ़ी प्रेजेंट है। देखिए आप इसमें, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ प्लेट्स तो इसके अंदर बता रखी हैं, जैसे ये डॉर्सल प्लेट है, वेंट्रल प्लेट है, पीनियल है, ओरल प्लेट्स हैं, डॉर्सल स्पाइन जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो है, वे रेक्टेंगुलर स्केल्स ही हैं,
वेंट्रल साइड में अगर अपन देखें तो आप देखिए ब्रैंकियल प्लेट है, ऑर्बिटल प्लेट है, ये रोस्ट्रम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो आप क्लियरली देखिए वेंट्रल में आपको कितना रोस्ट्रल दोनों में दिख रहा है, मतलब डॉर्सल व्यू में भी दिख रहा है कि जो हेड है ये एंटीरियर पार्ट है वो रोस्ट्रम में चौंच जैसा बन गया है और वेंट्रल में भी दिख रहा है। अच्छा इसके अंदर देखिए नीचे एक और अगर आप देखें वेंट्रल साइड में तो कॉर्नुअल प्लेट दिख रही है और फिर ये ब्रैंकियल अपर्चर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो प्लेट्स हैं वो उसको बड़ा वैसा बनाती हैं कि भी बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्टेड रहा होगा ये, क्योंकि जो बोन्स हैं, जो बोन्स का ढांचा है वो पूरे इसके शरीर में था, स्पेशली जो हेड और जो जो एंटीरियर पार्ट है, हेड और एंटीरियर पार्ट उसमें स्पेशली वो सब जो स्केल्स जो हैं वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट थे। तो इस तरह से आज मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और जो बाकी के दो ऑर्डर्स हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। अंटिल देन आई शुड बिड थैंक यू टू यू ऑल, एंड प्लीज़ रिवाइज, एंड जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसमें जो डायग्राम्स हैं ये भी आप एक बार बना के आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्ज़ाम में डायग्रामेटिक तरीके से आप समझाते हैं तो वो उसमें ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाते हो, अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाते हो, और वो अच्छा मतलब उसमें कहना चाहिए कि बेटर रहता है थ्योरी से, कि कई बार ये होता है कि थ्योरी लिखने में अपने को ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर वहीं आप डायग्राम बनाते हैं तो वो आप क्लियरली उसको अपना आप क्या कहना चाहते हैं वो भी आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम भी इक्वली ज़रूरी है, सो प्रैक्टिस मेकिंग डायग्राम ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।